हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूनिकॉर्न एकेडमी। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं MIT मनीपाल 2021 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो लास्ट राउंड होता है काउंसलिंग का, उसमें आपको कितने रैंक तक कौन सा ब्रांच मिल सकता है MIT मनीपाल में, मतलब जो मेन कैंपस है मनीपाल में। जयपुर एंड सिक्किम कैंपस की बात इसमें हम लोग नहीं करने वाले, मनीपाल कैंपस के बारे में एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा। लास्ट राउंड जस्ट बिफोर स्पॉट राउंड, मतलब स्पॉट राउंड का नहीं, उसके पहले जो लास्ट राउंड होगा उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस वीडियो में हम लोग देखने वाले। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि आज यानी कि 30 जून को मनीपाल का रिजल्ट आने वाला है, एंड ये भी हो सकता है कि जब तक हम ये वीडियो अपलोड करें तब तक रिजल्ट आ भी जाए, एंड इससे आपको आपका रैंक जो है वो पता लग जाएगा। एंड इस वीडियो में जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने वाले हैं लास्ट राउंड के काउंसलिंग का, तो उससे पहले एक बात आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि रिजल्ट के बाद जब काउंसलिंग चालू होगा तो हमारे चैनल पर आपको काउंसलिंग के रिलेटेड सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे, प्रोसीजर भी बताएंगे, एंड जैसे जैसे राउंड से वो प्रोसीड करेगा तो उस राउंड के कट ऑफ का एनालिसिस एंड नेक्स्ट राउंड का कट ऑफ जो होने वाला है उसका प्रिडिक्शन भी बता देंगे, जैसा हमने लास्ट ईयर किया था, एंड बहुत ही एग्जैक्ट प्रिडिक्शन हमने की थी जिससे बच्चों को बहुत मदद मिली थी। तो हमारे चैनल पर जरूर बने रहेगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो अब मेन पॉइंट पर आ जाते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेते हैं लास्ट राउंड का। इसमें हम लोग MIT मनीपाल का देखेंगे। अगर आपको जयपुर एंड सिक्किम के भी प्रिडिक्शंस चाहिए कि कितने रैंक पे कौन सा ब्रांच मिल सकता है तो आप कमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो मेन पॉइंट पे आते हैं, MIT मनीपाल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेते हैं ब्रांच वाइज। बायोटेक्नोलॉजी का 35K के अप्रॉक्स जो है वो जाने वाला है कट ऑफ, केमिकल का 40K के आसपास, सिविल का 40K के आसपास। तो ये जो तीन ब्रांचेस वो आपको 35K, 40K एंड 40K रैंक पे मिल सकती हैं। अब मेन ब्रांचेस के बारे में बात कर लेते हैं, तो CC दैट इज कंप्यूटर कम्युनिकेशन वो आपको मिलने वाला है 3000 रैंक तक, मतलब अप्रॉक्सीमेटली। CS 1100 रैंक, IT 2200 रैंक, डेटा साइंस 3600 रैंक के आसपास, एंड बायोमेडिकल जो है वो 39000 रैंक के आसपास मिलेगा। तो ये जो बीच में मैंने आपको चार ब्रांचेस के बारे में बताया, दैट इज वो आपके चार मेन ब्रांचेस हो जाते हैं। बायोमेडिकल आपको 39K के आसपास मिल जाएगा। अब बात करते हैं कुछ और मेन ब्रांचेस के बारे में, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो वो आपको 5600 के आसपास मिल जाएगा। दो मीडियोकर ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन 20K के आसपास मिलेगा, एंड EEE मतलब इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो आपको 11K के आसपास जो है वो मिल जाएगा। अब बात करते हैं कुछ और ब्रांचेस के बारे में, तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग आपको 20K के आसपास मिलेगा, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 27K के आसपास मिलेगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 19K के आसपास, एंड मैकेट्रॉनिक्स भी 19K के आसपास मिल जाएगा। लास्ट दो ब्रांचेस के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज मीडिया टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो ये जो दोनों ब्रांचेस हैं जिनका भी रैंक 42K के अप्रॉक्स है, उनको ये जो है वो मिल जाएगा। तो ये हमने 17 ब्रांचेस जो भी MIT मनीपाल में है सबका एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लिया है लास्ट राउंड तक, जस्ट बिफोर स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड का हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। जयपुर एंड सिक्किम कैंपस के अगर आप प्रेडिक्शन चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, एंड अगर आपके मन में कोई भी और डाउट है तो भी आप जो है कमेंट कर सकते हैं, एंड जैसे रिजल्ट आता है तो हम हमारे चैनल पर इन्फॉर्म आपको कर देंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहिए।